नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर रुख करेंगे लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। आपको बता दें कि एनआईए ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। इस वक्त की बड़ी खबर, रिमांड अवधि पूरी होने पर कोर्ट में किया गया है पेश। मोहम्मद गौश, रियाज और फरहाद को किया गया है कोर्ट में पेश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, वहीं तीनों आरोपियों को कोर्ट में अब पेश किया गया है। रिमांड अवधि पूरी होने पर तीनों को कोर्ट में पेश किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट परिसर के चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था देखी जा सकती है। और ये देखिए, तीनों आरोपियों को यहाँ पर कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया है और कोर्ट में अब इन तीनों को पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहाँ मोहम्मद गौश, रियाज और फरहाद को पेश किया जा रहा है। इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता विशाल शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, इस मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट कोर्ट परिसर में पेश किया गया है तीनों को? बिल्कुल, उदयपुर के उसमें से मुख्य आरोपी मोहम्मद सीधे जो एसओजी एक्टिव मुख्यालय उदयपुर स्मार्ट सिटी जयपुर घाट गया देते थे, वहां से कलेक्ट्रेट सर्किल पर जो एनआई की स्पेशल कोर्ट है वहां पर इनको कड़ी सुरक्षा के बीच एक्सपोर्ट के जरिए पेश किया गया है, जहां कोर्ट परिसर में भी कड़ी सुरक्षा की गई थी। किसी लोगों को भी वहां पर अनुमति नहीं थी आस पास जाने का, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से वहां पर हालात पैदा हुए थे, ऐसे में इस बार ऐसे कहीं ना कहीं तनाव का माहौल ना हो जाए, आरोपियों के साथ मारपीट ना हो जाए, उसको ध्यान में रखा गया था। और अब जब पिछली बार 12 जुलाई को कोर्ट में सातों आरोपियों को पेश किया गया था, उसमें चार आरोपियों को जेल भेज दिया गया और तीन जो ये आरोपी हैं इनको इनकी जो रिमांड अवधि है वो 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, और जो की आज अवधि खत्म हो गई है। और खत्म होते ही आज जो एनआईए ने इन चारों आरोपियों को आज अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट परिसर में पेश किया है, और वहां से पेश करने के बाद अब चारों आरोपियों को वहां से सीधे मुख्यालय है वहाँ पर ले जाया जा रहा है, जहाँ एनआईए की टीम है वो वहाँ से रवाना हो चुकी है। अब कलेक्ट्रेट सर्किल से इन चारों आरोपियों को अब वापस एटीएस ले जाया जा रहा है। अब अंदर से क्या खबर आती है कि इन आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ाई गई है या फिर इन्हें भी जेल भेज दिया गया है, ये कुछ देर में स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल, और विशाल, अगर यहाँ पर सुरक्षा की बात की जाए उसके भी बारे में जानेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है एक और। तो विशाल, नजर बनाए रखिएगा, आपसे और भी अपडेट इस विषय पर लेते हुए नजर आएंगे।